अलाउड इन दिस एरिया, यहाँ पे लड़कियों को नहीं है इजाज़त, लेकिन मेरे साथ जो ब्रदर है उन्होंने बात करी तालिबान गार्ड से और उन्होंने मेरा परमिट चेक किया, उसके बाद मुझे यहाँ आराम से एंट्री मिल गई। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ अफगानिस्तान की उन गलियों में जो आपने आई एम श्योर आज से पहले नहीं देखी होगी, और यहाँ पे गर्ल्स की एंट्री बिल्कुल ही मना थी, पर कैसे मैं यहाँ पहुंची ये पूरी स्टोरी आज आप देखोगे। पर इससे पहले आज मैं मेहमान थी किसी के घर पे और मैं आपको दिखाऊंगी अफगान हाउस, अफगान कल्चर, फूड, एवरीथिंग। हाँ, तो आज के दिन की शुरुआत हुई यहाँ से, जहाँ पे आज मैं मेहमान हूँ। और आज ना यहाँ पे जिनके घर में आई थी उनकी जो डॉटर है उनका बर्थडे था आज, तो ये पूरा सामान उसके फियांसे ने भेजा था यूएस से। आई मीन हाउ लवली इज़न्ट इट। और जब मैं वहाँ गई तो वो लोग इतना एक्साइटेड थे, उन्होंने मुझे ड्रेस दिखाई, उनकी ट्रेडिशनल अफगानी ड्रेस जो कि बहुत ही सुंदर थी और बहुत हैवी भी थी। आई वॉज वंडरिंग कि कैसे पहनते होंगे। और इसके बाद उन लोगों ने मेरी भी ड्रेस चेंज कराई और मुझे पहनवाई ट्रेडिशनल अफगानी ड्रेस जो कि मुझे बहुत पसंद आई। और ये ड्रेस पहनने के बाद मैंने इतने कॉल्स किए इंडिया में और हर जगह सबको दिखाने के लिए, बहुत अलग फील कर रही थी पर बहुत मज़ा आ रहा था। और आज ना गाइज यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी थी, हालांकि मैं पार्टी तक तो नहीं रुक पाई क्योंकि मुझे कुछ जगह कवर करनी थी आज, पर इसके तुरंत बाद शुरू हुआ खाना। उन्होंने मेरे लिए अरेंज किया चिकन, ड्राई फ्रूट्स, आई मीन ड्राई फ्रूट्स तो अफगानिस्तान में हर वक्त हर जगह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब मैं आपको टूर करा रही हूँ अफगान घरों में जो सीटिंग होती है गेस्ट्स के लिए वहाँ का। घर में कालीन यानी कारपेट होना कंपलसरी है, इवन केक के ऊपर भी अखरोट लगा हुआ था, मतलब इट वाज अ ड्राई फ्रूट केक। और अब मैं तैयारी कर रही थी अपना आज का टूर शुरू करने के लिए। अब वक्त था सबसे अलविदा लेने का, तो सबसे अलविदा लेके मैं निकल गई रास्ते में पहुँचने के लिए कारगाह। कारगाह एरिया एंड बिहाइंड दिस हिल, नॉट हिल एग्जैक्टली, बिहाइंड दैट पॉइंट देयर इज अ डैम। दिस डैम इज बिल्ट बाय अफगान गवर्नमेंट और बाय, या दिस इज वेरी हिस्टोरिकल डैम। ओह, वेरी हिस्टोरिकल डैम, ओके। दिस इज कारगाह डैम, इट्स अप्रोक्सीमेटली 20 टू 30 मिनट्स फ्रॉम काबुल। ओके, अब पता नहीं फॉर सम रीज़न इस डैम पे गर्ल्स का आना अलाउड नहीं था। देर वर सेपरेट डेज जब फीमेल्स जो है वो इस डैम को एक्सेस कर सकती है, घूम सकती है, पर जिस दिन मैं गई थी उस दिन अलाउड नहीं था, लेकिन सम हाउ परमिशन मिल गई जाने की। ऑल्सो बिकॉज आई वॉज यूट्यूबिंग, दे नो कि आई एम हियर टू मेक स्टोरीज, तो मेरे लिए एक्सेप्शन हो जाते थे। यहाँ पे लड़कियों को नहीं है इजाज़त, लेकिन मेरे साथ जो ब्रदर है उन्होंने बात करी तालिबान गार्ड से और उन्होंने मेरा परमिट चेक किया, उसके बाद मुझे यहाँ आराम से एंट्री मिल गई। मुझे छोड़ के यहाँ पे सब लोग सनफ्लावर की सीड्स खा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह, इनफैक्ट अफगानिस्तान में हर जगह अफगानिस्तान पूरा जो है माउंटेन्स से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर हर चीज़ इतनी खूबसूरत लगती है, मतलब यहाँ का मौसम, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा बहुत खूबसूरत है, और जितनी ठंड है उतनी धूप भी है। तो गाइस फिलहाल तो मैं अपनी ट्रिप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, और यहाँ से अब मैं जाने वाली हूँ पगमान। तो पगमान पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि पगमान में देखने जैसा क्या है, लेकिन कारगाह जो है ये काबुल से बहुत ज़्यादा पास है। दिस इज गोल्फ, वाओ इट्स ब्यूटिफुल गाइस। डैम के इस तरफ से ये गोल्फ का ग्राउंड है, लेकिन अब यहाँ सबको राशिद खान बनना है तो सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर जगह है। Arur, let's go. Come on, Zabi Arur. Where are we going? Yeah, we will going to the center of Karga. Center of Karga? Yeah, okay. Center. We have some parks and also some another good places for enjoyment. Oh, okay. This is a park, sort of. Yeah, this is a park. Zabi Arur, yeah. Where are we going now? Now we are going in the center of Karga and actually in the water, near of the water of Karga. Okay. So family can come for picnic or no? No. Okay.
गाइस ये सेंटर है करगार डैम का और यहाँ पे बहुत सारे हॉर्स है, हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ लेडीज का आना मना है बट मैंने स्पेशली मेरे साथ जो ब्रदर है उन्होंने बात करी और हो गया। रवि अरूर, ओपन दिस। दिस इज पगमान। It looks like very interior area. Yeah. Like a village sort of. Yeah, not like this Kabul. This is also like a village. Okay. Yeah, tell me about this castle. Yes, this castle is Pagmon Castle. Okay. And this is very beautiful place and also it has a lot of beautiful gardens. Oh, okay. And this... And it was made by? The president, the ex-president of Afghanistan by the name of Amanullah Khan. Oh, okay. 100 years ago. 100 years. 100 years ago? Yeah, 100 wow, years. Okay. Guys, this is Pagmon and it is so beautiful. It's just like Kashmir. Look at the trees. This view is just amazing. Entertainment. Yes. And now we are in the park of Pagmon Castle. Yes. And this castle is building by the one of the ex-president of Afghanistan. Oh, okay. By the name of Amir Amanullah Khan. I think this is also greenhouse. Yeah, because this is greenhouse. For vegetables, right? For vegetables. And they're far away here. Yeah. These are also greenhouses, right? For vegetables. But Afghanistan have like very fresh vegetables. Yeah, we have a lot of fresh vegetables. Fresh vegetables. Yeah. And beautiful. And this is all Kabul. And this tree, look at this tree, so beautiful. Oh, so you mean in spring, all the trees will be like this? Yeah, all the trees will be like this. My God, who could have thought that Afghanistan is this? Guys, this is Afghanistan. Arur, I know, this is a fruit. Sanzal. No, this is a different thing. It's not fruit. I think it's sanzal. This is flower. Gurgur. I think this is flower. This is not fruit. Oh, this is flower. This is flower. Banjani Rooney, he's saying, I understand it. He's selling vegetables. Yeah, vegetables. Tomato. Tomato and turbanjan. Yeah.
I can see it. Yeah. Chakka means? Chakka are like. Like ghee. This is also product of Ayurveda. And this one? And this is achar and chutney. Oh. I think they are all chutney. Yeah. This is just product of Ayurveda. This is Afghan jalebi, right? This one? No. The most famous. Achar, right? Yeah, achar. And this achar. This is also achar. This is every chakni. This is chakni. And this? This is chakka. Chakka. Okay. Manana. For 1 kg? I don't know. Yeah, for 1 kg. I want 1 kg. What? This is ghee? No, this is gazar. Gazar? Error, this is not ghee. This is gazar, okay? गाइस ये इतनी बड़ी गोभी है कि इंडिया के 3-4 फैमिली निपट जाए इस गोभी से. जिसके कैप्टन लखमानी गंदाना. व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो काइंड ऑफ वेजिटेबल. कैन आई जस्ट गो नियर टू इट? गंदाना. दिस इज वेजिटेबल? या इट्स वेजिटेबल. दिस इज सो कॉमन हियर, राइट? इन इंडिया इट्स नॉट कॉमन. It is expensive in India, very expensive. This radish also expensive. But here vegetables are so good, isn't it, Aro? मेरा current है, मैं जब भी इस गेट को हाथ लगाती हूँ तो मुझे बहुत जोर से current लगता है. तो मुझे छोड़ के बाकी सब ये गेट खोल रहे हैं मेरे लिए, पर मैं इस गेट को नहीं छोड़ू. और सारी तैयारी हो गई है गाजर के हलवे की, क्योंकि आज मैं अफगानी लोगों को गाजर का हलवा खिलाने वाली हूँ. तो मैंने ली है इलायची, पनीर, गाजर और घी. I got scared to see your father. But he's so sweet. He went to home? Yeah, he went to home. Oh. Guys, today I'm going to make an Indian sweet dish for Afghani people. और मैं बस यही कहना चाहती हूँ गाइस कि ये लोग बहुत मासूम हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं. मतलब इनके घर पे आके, मतलब मैं जब ये घर से बाहर निकलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे से कोई जो होता है ना, मेरी छत, मतलब मेरा घर किसी ने मुझसे ले लिया. मुझे ऐसी फीलिंग होती है. मैं दिन भर कहीं भी घूम लूँ, मुझे बस पूरे टाइम ये फीलिंग होती है कि मैं घर कब जाऊँगी. और ये फीलिंग आपको कहाँ आती है? सिर्फ घर में. आप होटल में कितना भी चले जाओ, मतलब इन लोगों ने मुझे इस तरह प्यार दिया है कि मैं कभी इन लोगों को नहीं भूल पाऊंगी. दे आर द मोस्ट अमेजिंग पीपल ऑन अर्थ. बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड बिकॉज ऑफ द थिंग्स हियर, मैं उन लोग को कैमरे पे नहीं ला सकती. दे आर ऑलवेज बिहाइंड माय कैमरा, दे आर ऑलवेज अराउंड मी. और जो स्मॉल एरोर है ना, जो छोटा वाला ब्रदर है जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे, वो ही इज जस्ट लाइक दादू, ही इज जस्ट लाइक माई ब्रदर. जब वो छोटा था ना 5 साल पहले, तो वो ऐसा ही था. मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, स्मॉल एरोर, यू आर सो क्यूट, यू आर जस्ट लाइक दादू टू मी. So I'm amazed. It's amazing. I'm enjoying my stay here. और जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, इसमें नीचे वाली जो फ्लोर है, यहाँ पे एक बड़ी बुखारी थी, तो नीचे का फ्लोर हमेशा गर्म रहता था. तो सब लोग मुझे खींच के नीचे ले आए. सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे और हम सब बैठ के गेम्स खेलते थे, लूडो, बातें करते थे. तो उसमें से यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला बच्चा था ना, उसको मैं कहती थी स्मॉल एरोर, यानी छोटा भाई. और ही इज़ वेरी क्रिएटिव. और तो उसने मुझे सारी चीज़ें दिखाई जो वो बनाता था. और जो उसकी सिस्टर थी, वो बहुत अच्छा स्केच करती थी. उसने मुझे अपने सारे स्केच दिखाए जो कि इतने ज़्यादा थॉटफुल थे. मतलब दे आर सो टैलेंटेड, आई विश दे गेट गुड प्लेटफॉर्म. उसके बाद बनाया मैंने गाजर का हलवा. और ये बनाते टाइम भी काफ़ी बड़े बड़े ब्लंडर हुए, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा निकला. अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना.
क्योंकि आने वाले व्लॉग में आने वाली है मेरी विदाई अफगानिस्तान से, जो कि बहुत ही पेनफुल थी, एंड आई एम श्योर आप लोग ज़रूर देख के एंटरटेन्ड होंगे। आने वाले व्लॉग्स बहुत धमाकेदार मज़ेदार आने वाले हैं और मैं एक और नई कंट्री एक्सप्लोर करने वाली हूँ। ओके गाइस, सी यू वेरी सून, और मैं रोज़ डेली शॉर्ट्स वाले वीडियो भी डालती हूँ, तो उसको भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। ओके बाई।